अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो हमारी है ये बेसिकली एडेनियम्स के बारे में है। एडेनियम्स को हरफ़ आम में डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से दूसरे ममालिक में फैल के एडेनियम ने अपनी नई निकसान बनानी है, और एडेनियम की सॉइल के बारे में किस तरह से एडेनियम की केयर करी जा सकती है, ग्राफ्टेड एडेनियम्स के बारे में हम इन सारी बातों को आज की वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एडेनियम्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, अरेबिकम्स और ओबेसम्स। ओबेसम्स सबसे आम पाए जाने वाला एडेनियम है जो आपको तकरीबन तमाम ममालिक में मौजूद होता है। ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एडेनियम ओबेसम का प्लांट है, ये भी एडेनियम ओबेसम का प्लांट है, ये सारे एडेनियम ओबेसम के प्लांट हैं। इसके जो फूल होते हैं वो बेसिकली पिंक कलर के होते हैं। इसके अलावा मल्टी पेटल्स में भी पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, मगर पिंक और वाइट के अलावा बहुत कम इसके जो कलर हैं जो आम अवेलेबल होते हैं। तभी मैं आपसे बाद में ग्राफ्टिंग का आइडिया डिस्कस करूँगा कि हम ग्राफ्टिंग का सहारा लेते हैं मुख्तलिफ कलर्स की ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये जितने भी ओबेसम्स हैं ये सारे के सारे सीड ग्रोन हैं। ये सिंगल पेटल रेड है, ये डबल पेटल पिंक है, ये सिंगल पेटल पिंक है। इसके अलावा आपको सिंगल पेटल वाइट भी कॉमनली आपको मिल जाता है। जो मल्टी पेटल के या डिफरेंट शेड्स के जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली या सीड ग्रोन इतनी आराम से अवेलेबल नहीं होते। ये सारे प्लांट्स तो सीड ग्रोन हैं, डेट्स वाई हम लोग ग्राफ्टिंग का सहारा लेते हैं मुख्तलिफ कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उनको शेयर करने के लिए। एडेनियम ओबेसम की खसूसियत ये भी है कि आप इसको बोनसाई स्टाइल में ग्रो कर सकते हैं। ये वाला प्लांट भी एडेनियम ओबेसम ही है, मगर आप ये देखें कि बोनसाई स्टाइल में ये ग्रो किया गया है, और इसकी खसूसियत ये भी है कि इसकी जो रूट्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। एडेनियम ओबेसम के अंदर या बाद में हम अरेबिकम के अंदर भी ये काम आम है कि इसकी रूट्स को ट्रेन किया जाता है। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं रूट को ट्रेन करने की, और रूट ट्रेन करने के बाद प्लांट्स को अच्छी शक्ल में लाना पड़ता है ताकि उसकी शेप अच्छी और वो बोनसाई स्टाइल में नज़र आए। अब मैं आपको ग्राफ्टेड प्लांट के बारे में बताऊंगा। ग्राफ्टेड प्लांट की जो अहमियत है वो एडेनियम ओबेसम के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो रेयर कलर्स हैं वो सीड ग्रोन ईज़िली अवेलेबल होते नहीं हैं, इवन काफ़ी मुश्किलों से अवेलेबल होते हैं। सो दैट्स वाई हम ग्राफ्टिंग का सहारा लेते हैं ताकि हम श्योर हो सके कि हमें जो रेयर कलर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आए मैं अब आपको अपनी ग्राफ्टेड कलेक्शन दिखाता हूँ। जी, ये मेरे चंद ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। इनमें से जैसा प्लांट आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से ग्राफ्ट किया गया, तो ये सिर्फ एक ही शाख पे ग्राफ्ट किया गया है। इस वाले प्लांट को भी यहीं पे ग्राफ्ट किया गया है, मगर आगे जाके इसकी दो शाख बन गई हैं और दोनों शाख से ये एक ही कलर निकलेगा। और ये वाला जो प्लांट है ये एक मल्टी ग्राफ्टेड प्लांट है। मल्टी ग्राफ्टेड प्लांट का मतलब कि इसकी हर एक शाख पर ग्राफ्टिंग की गई है और हर एक शाख में जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडेनियम एक सराही प्लांट है, तो सनलाइट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसकी ग्रोथ के लिए। तो एडेनियम को फुल सनलाइट चाहिए होती है, और इसकी जो सॉइल भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और पानी जल्द खुश भी हो जाए। तो ये दो फैक्टर हैं जो इसकी सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम आपको एडेनियम की सॉइल बनाना सिखाते हैं। जी, अब मैं आपसे एडेनियम ओबेसम के लिए जो सॉइल चाहिए होती है उसको डिस्कस करूँगा। आप सिंपल भालू मिट्टी और खाद के साथ, जिसमें लीफ कंपोस्ट है या गोबर खाद है, इससे मिला के भी आप एडेनियम की सॉइल बना सकते हैं।
ख़ास तौर पर जो कराची और हैदराबाद की जो बालू मिट्टी है वो इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, आप मुख्तलिफ मटीरियल जिसमें कोकोपीट, सिंडर, ह्यूमस, परलाइट, इन सब को भी आप यूज़ कर सकते हैं एडीनियम की सॉइल बनाने के लिए। ये सारा जो मटेरियल है वो आपको पीएनपी मटेरियल से अवेलेबल होगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक वाहिद ऑनलाइन फोरम है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स मिल जाते हैं जो इंतहाई मुनासिब कीमत में होते हैं, और ये सारे मटेरियल आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। जी, ये वाला जो मिक्सचर है ये सबसे सिंपलेस्ट मिक्सचर है। इसमें मैंने लिया है कोकोपीट को, लीफ कंपोस्ट को और बालू मिट्टी को। ये कराची की बालू मिट्टी नहीं है, ये हैदराबाद की बालू मिट्टी है, तो आप कराची की बालू मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर उसको छान ले तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी, और हैदराबाद की बालू मिट्टी को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एडीनियम ऑबिसम के लिए एक सॉइल मिक्सचर, ये सॉइल मिक्सचर बनाना काफ़ी इजी है और इसके लिए मटेरियल आपको आराम से अवेलेबल हो सकता है। बस आपको ख्याल इस बात का रखना है कि जो पानी आप जब डालें, जो जब ये सॉइल मीडिया बिल्कुल खुश्क हो जाए। अपनी नेक्स्ट वीडियो से मैं डिफरेंट किस्म की सॉइल मीडियाज़ को डिस्कस करूँगा जो हम एडीनियम ऑबिसम के लिए बना सकते हैं, और इसके अलावा आने वाली वीडियोज़ में हम एरेबिकम्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक एडीनियम एरेबिकम प्लांट है, इसकी अपनी नेचुरल वैरायटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी होती हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एरेबिकम की केयर कैसे कर सकते हैं और इनके लिए एक अच्छा सॉइल मीडिया कैसे बना सकते हैं।